लखनऊ से है, जहां पीजीआई के वृंदावन सेक्टर 19 में संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव मिला है। महिला का शव हुंडई कार की पिछली सीट पर मिला है। कार में मिले मोबाइल फोन से महिला की पहचान सुष्मिता राउत के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज शाम को करीब 5:30 बजे के आसपास थाना पीजीआई के वृंदावन क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक महिला की डेड बॉडी एक गाड़ी के अंदर देखी गई है। सूचना मिलते ही लोकल थाना और सभी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने पे देखा गया कि एक हुंडई गाड़ी के अंदर एक हुंडई गाड़ी की पिछली सीट पर एक महिला की डेड बॉडी है। जब फील्ड यूनिट के आने के बाद जब गाड़ी खोली गई और वहां पर देखा गया तो वहां पर एक मोबाइल की बरामदगी हुई थी। मोबाइल जब खोला गया तो उससे महिला की शिनाख्त हो गई है और मृतका का नाम सुष्मिता राउत है। एज करीब 30 साल के आसपास है। बॉडी पे किसी प्रकार की कोई जाहिरा चोट नहीं दिखी। कपड़े भी पूरी तरह से व्यवस्थित थे। मृत्यु की सही कारण जानने के लिए बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है।